लेंस इज मेड ऑफ फ्लिंट ग्लास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हेन द लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.25 द फोकल लेंथ तो इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 1.25, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2.5, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 1.2, डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 1.2। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक लेंस दिया है फ्लिंट ग्लास का जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको 1.25 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में इमर्स किया जाएगा, तो फोकल लेंथ किस फैक्टर से इंक्रीज होगी वो हमें बताना है। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे, गिवन म्यू लेंस जो दिया है 1.5 दिया है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिक्विड का जो दिया है ये 1.25 दिया है। और किस फैक्टर से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी वो हमें बताना है। एफ फोकल लेंथ इन लिक्विड और ये एफ एयर, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम फोकल लेंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/f इज इक्वल टू एन माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। तो सबसे पहले हम इसको जब एयर में रखेंगे तो ये 1/f एयर होगा और n की वैल्यू 1.5 माइनस 1 होगी, ये 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 यानी 1/2 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/f एयर आएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, फिर जब इसको लिक्विड में रखेंगे तो 1/f लिक्विड तो ये हो जाएगा 1 n-1। तो ये n लेंस डिवाइडेड बाय n लिक्विड लेंगे माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे तो ये होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 एलसीएम लेंगे, 1.5 माइनस 1.25 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/5, 25 से 125 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम डिवाइड होगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये 1/f लिक्विड आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमको एफ लिक्विड अपॉन एफ एयर निकालना है, तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो 1/f एयर, एयर में जो है ये वैल्यू आई थी 1/2 1/r1 माइनस 1/r2 और ये 1/f लिक्विड ये आया है 1/5 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस तरह से ऊपर जाएगा और एफ लिक्विड ये ऊपर जाएगा। तो यहां से एफ लिक्विड डिवाइडेड बाई एफ एयर ये वैल्यू आएगी 5/2 यानी 2.5 फैक्टर से इंक्रीज होगी। तो यहां पर 2 पॉइंट इंक्रीजेज
टू ए फैक्टर ऑफ 2.5। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा।